ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया है, लेकिन आज ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी के एक मंत्री के कई ठिकानों पर दिल्ली में सुबह से रेड चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम सब लोग बहुत दिन से और सारा अपोजिशन इस बात को कह रहा है कि सरकारी एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सारे ईडी के छापे अपोजिशन वालों के यहाँ क्यों पड़ रहे हैं? क्या जितने रूलिंग पार्टी के लोग हैं सब दूध के धुले हुए हैं? हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने जितने भी लोगों को आज तक केस चलाए हैं उसमें मेजॉरिटी लोगों की पाक साफ निकली है, तो ये हमारे प्रजातंत्र को कमजोर करने के साथ साथ डेमोक्रेसी को कमजोर कर रही है सब चीज़ें। अगर इंडिपेंडेंट बॉडीज प्रेशर में काम करने लगेंगी तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब, एक आईफोन कंपनी द्वारा अखिलेश यादव का कहना है कि आईफोन की तरफ से एक मेल या कुछ नोटिस मैसेज वगैरह आया है, जिसकी वजह से ये बताया गया है कि उनके मोबाइल को हैक किया जा रहा है, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आपको याद होगा हमने एक सेशन में बहुत अपोजिशन किया था पेगासस के ऊपर, और पेगासस वो सिस्टम है जो आपके मोबाइल को भी हैक करता है और उसमें ये भी क्षमता है कि वो आपके टीवी को हैक कर ले। आप अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं और आपकी सारी तस्वीरें कहीं और जा सकती हैं। तो ये सिस्टम पहले सरकार ने क्यों लिया, और ये इसराइल से लिया गया हुआ सिस्टम है। ये अगर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त प्रजातंत्र का क्या हशर होने जा रहा है। अगर अपोजिशन ही ख़त्म कर दिया जाएगा इस तरह से, तो फिर बचेगा क्या? ये तो हमारा मुल्क है कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल आया था जिसमें फोन टैप किया गया था और वहाँ के प्रेसिडेंट निक्सन को इस्तीफा देना पड़ गया था। यहाँ सब चिकने घड़े हैं, कुछ भी कहता रहो, कोई इस्तीफा नहीं देता। इसराइल सेना ने हमास में घुसकर जमीनी युद्ध शुरू कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जुल्म दुनिया के खित्ते के ऊपर हो रहा है। फलस्तीन अपनी आजादी की जंग तकरीबन 70 साल से लड़ रहा है। अगर वो अपने घर में घुसे हुए एक किसी को बाहर निकालना चाहता है, इसराइल फलस्तीन के अंदर घुस के उसने फलस्तीन को ख़त्म कर दिया, वो अगर अपना मुल्क चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? वो आज जो जुल्म इसराइल कर रहा है, बच्चों को नहीं देख रहा, औरतों को नहीं देख रहा, बूढ़ों को नहीं देख रहा, दुनिया को उन बच्चों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। वो भूखे प्यासे बच्चे जो अपने मकान के मलबे में मरे हुए माँ बाप की लाशों को तलाश कर रहे हैं, ये दुनिया नहीं देख रही। उन अनाथ बच्चों को, यतीम बच्चों को, जो छोटी सी अपनी छोटी सी उम्र में उससे भी छोटी बहन का हाथ पकड़े इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं, उसको दुनिया नहीं देख रही। वो जुल्म जो भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है, और जो जो लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं डेमोक्रेसी के लिए, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क अमेरिका, जिसने हमेशा इस तरह की हरकतें कर करके मुल्कों को तबाह किया है, चाहे उसने इराक को किया हो, अफगानिस्तान को किया हो, और अब यहाँ पर फलस्तीन में ये सब मसले चल रहे हैं। मुझे ख़तरा ये है कि अब ईरान को भी तबाही का सामना ना करना पड़ जाए। वो सब अमेरिका से पूरी तमाम दुनिया इस कदर डर रही है कि कुछ कह नहीं रही। इंसानियत तार तार हो गई। तो जो इसराइल अंदर घुस के मार रहा है, हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं है। इस्लाम कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, खासतौर से मासूम लोगों के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर। बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं, महिलाओं को मारने की इजाज़त नहीं, हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ नहीं है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट इसराइल आज जो कर रही है, दुनिया चुप क्यों है? क्या इंसानी कदरें इस कदर गिर गई हैं?